बचपन में हमारी स्किन कितनी ज्यादा सुंदर थी, ना तो उसमें कोई दाग था, ना कोई धब्बा था और ना ही कोई पिगमेंटेशन। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? आखिर हम ऐसी कौन सी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो प्रॉब्लम से भर जाती है। तो आखिर ऐसा हम क्या करें जिससे कि हमारी जो स्किन है वो बचपन की तरह सुंदर बनी रहे। चाहे आपकी एज 15 से 16 साल है, या फिर आपकी एज 25 से 26 साल है, या फिर आप 33 से 34 साल के भी क्यों ना हो, तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। तो मैं हूँ पूनम और आप देख रहे हो नेचुरल पूनम। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बचपन में हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है। जैसे कि आपने मैक्सिमम देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं उनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती है, उसमें कोई भी दाग धब्बा या पिंपल या फिर पिगमेंटेशन तो बिल्कुल भी नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी जो उम्र है वो बढ़ती है, वैसे वैसे हमारी जो स्किन प्रॉब्लम है वो भी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो ये रीज़न होता है हमारी टीन एज की कुछ गलतियों के कारण। जैसे कि जब हम टीन एज में होते हैं तो हम उस टाइम अपनी स्किन का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टीन एज में जो हमारी स्किन है वो काफ़ी अच्छी होती है, तो उस वजह से हमारा जो ध्यान है वो हमारी स्किन की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाता है। या फिर कई बार तो ऐसा होता है कि टीन एजर जो होते हैं वो अपनी स्किन पे ऐसे ही उठा के कुछ भी लगा लेते हैं, वो इस चीज़ को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखते हैं कि अगर हम इस चीज़ का अपने फेस पे इस्तेमाल करेंगे तो इसके रिजल्ट हमें क्या मिलेंगे। ना ही हम सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, ना ही हम किसी और नेचुरल ट्रीटमेंट का यूज़ करते हैं अपनी स्किन के ऊपर। जब हमारी एज बढ़ जाती है और एक दिन ऐसा आता है कि जब हम अपने फेस को शीशे के सामने खड़े होकर देखते हैं तो वो पूरा प्रॉब्लम से भरा हुआ होता है, जिसमें कि आपको पिंपल हो जाते हैं, आपकी स्किन पे ब्लैक हेड व्हाइट हेड हो जाते हैं, अन इवन स्किन टोन हो जाती है, सन टैन आपको हो जाता है और आपकी जो स्किन है वो डार्क हो जाती है। फिर हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि हम अपनी स्किन को एक ही दिन में ठीक कैसे करें, तो उसके चक्कर में हम यूज करने लगते हैं केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट जो कि आपकी स्किन को अच्छा बनाने के बजाय और भी ज्यादा डैमेज कर देते हैं। तो हमें इस चीज का खास ख्याल रखना होता है कि जब भी हम टीन एज में हैं तो तभी से हमें अपनी जो स्किन केयर रूटीन है उसे फॉलो करना होता है। और इसमें आपको इस चीज का भी खास ख्याल रखना होता है कि जितना हो सके उतना नेचुरल प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल करें, नेचुरल वे से ही अपनी स्किन को जो है वो हेल्दी बनाए रखें, अपनी स्किन का जो ट्रीटमेंट है वो करें। कई बार तो सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम मेकअप के थ्रू अपनी स्किन को ओरो के सामने प्रेजेंट करते हैं। मेकअप करना भी हमारी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है। शायद आपने सुना होगा कि हमारी जो स्किन होती है वो भी ब्रीथ करती है, सांस लेती है। अगर आप उसके ऊपर जो मेकअप है वो थोपते जाएंगे तो हमारी स्किन जो है, हमारी स्किन के जो पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं और हमारी जो स्किन है वो सांस नहीं ले पाती है, जिसका हमें रिजल्ट मिलता है ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, पिंपल हो जाते हैं और लास्ट में हमें पिगमेंटेशन का भी सामना करना पड़ता है। तो अब बात करते हैं कि अगर आप टीन एजर है तो आपको अपनी स्किन का ख्याल किस तरह से रखना है। दोस्तों, अगर आप टीन एजर है तो दिखती बात है कि आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल हेल्दी होगी, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपने अपनी स्किन का जो है वो बिल्कुल अच्छे से ख्याल रखना है ताकि उसमें कोई भी प्रॉब्लम आगे चलकर ना आए। तो इसके लिए आपको अपने फेस को प्रॉपर तरीके से वॉश करना होता है। चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, आपने अपनी स्किन को हर टाइम मॉइस्चराइज करके रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करना है जिससे कि आपकी जो स्किन है वो हाइड्रेट रहे। अगर गर्मियों का सीज़न है तो आपने अपनी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए पानी का जो सेवन है वो प्रॉपर तरीके से करना है। हफ्ते में कम से कम एक बार आप स्टीम ज़रूर लें जिससे कि आपकी जो स्किन के पोर्स हैं वो ओपन हो जाए और आपकी जो स्किन है वो अच्छे से ब्रीथ कर सके। उसी के साथ सनस्क्रीन का भी आपने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना है। हम क्या करते हैं कि जैसे ही टीन एज में होते हैं तो सनस्क्रीन का तो कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि हमें सनस्क्रीन का भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर आप कहीं घर से बाहर जा रहे हो तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़रूर करें। डस्ट से आपने अपने फेस को बचा के रखना है। कहीं बाहर जा रहे हो तो अपने फेस को कवर करके बाहर जाएं, और कभी कभार आप किसी फेस पैक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फेस पैक आप बेसन और हल्दी और दूध को मिलाकर एक अच्छा सा पेस्ट तैयार करके इस फेस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कभी कभार आप अपने फेस पे स्क्रबिंग भी कर सकते हैं। स्क्रबिंग करने के लिए आपको इस चीज़ का भी खास ख्याल रखना होता है कि जिस स्क्रब का आप यूज़ कर रहे हो अपने फेस पे उसके जो पार्टिकल है वो ज़्यादा हार्ड नहीं होने चाहिए।
फेस पैक, फेस स्क्रब या फेस वॉश करने के लिए अगर आप नेचुरल तरीके का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होता है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, तो आप जाकर उन्हें देख सकते हैं कि नेचुरल तरीके से हम फेस स्क्रब, फेस पैक और फेस वॉश कैसे बना सकते हैं। तो ये तो रही टीनेजर की बात, लेकिन अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी एज 25 से 30 साल है और आपकी जो स्किन है वो ऑलरेडी डैमेज हो चुकी है, तो आप अपनी स्किन को बेटर कैसे कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर मैं ये बात क्लियर कर देना चाहूंगी कि अगर आपकी स्किन जो है वो डैमेज हो चुकी है और आप ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ एक या दो दिन में ही हम अपनी स्किन को बेटर बना लेंगे, अच्छा बना लेंगे, तो आप इस भ्रम में कभी भी ना रहें, क्योंकि आपकी जो स्किन है उसे डैमेज होने में कितना टाइम लगा है, तो उसे रिकवर करने के लिए आपको कम से भी कम 2 से 3 महीने का टाइम तो लगेगा ही। तो इसके लिए आपने अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना है, हर टाइम अपने फेस को अच्छे से क्लीन करके रखना है। हफ्ते में 2 बार आपने किसी अच्छे से फेस पैक का इस्तेमाल करना है, हफ्ते में 2 बार आप अपने फेस पे स्क्रबिंग कर सकते हैं। उसी के साथ अगर आप अपने घर पर भी है तब भी आपको सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना है, बाहर जा रहे हो तब तो करना ही है, लेकिन जब आप घर पे हो तब भी आपने प्रॉपर वे में सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना है। अपने फेस को डस्ट से बचाकर रखना है। अगर आप मेकअप करते हो तो मेकअप को जो है आपने अपने फेस पे 2 से 3 घंटे से ज्यादा स्टे नहीं रखना है, 2 से 3 घंटे के बाद ही आपने अपने फेस से मेकअप को रिमूव कर देना है। अगर आपने पूरा दिन मेकअप किया हुआ है तो सोने से पहले आप अपने मेकअप को रिमूव जरूर करें, और जितना हो सके उतना नेचुरल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें, तो ही आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट हम अपने फेस पे इस्तेमाल तो कर लेते हैं, कहीं ना कहीं वो आपको जल्दी से रिजल्ट भी दे देते हैं, लेकिन वो रिजल्ट जो होता है वो कुछ टाइम के लिए होता है, और कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि आपकी जो स्किन होती है वो पहले से भी ज्यादा डैमेज हो जाती है। उसी के साथ साथ अपने खान पान का भी विशेष ध्यान रखें, पानी की जो प्रॉपर क्वांटिटी होती है उसे लें, तो आपकी जो स्किन है वो हाइड्रेट रहेगी। अगर आपकी एज 35 से 40 साल है और आपकी जो स्किन है उसमें बहुत सारी झुर्रियां पड़ चुकी है, आपकी स्किन जो है लटक चुकी है और उसी के साथ साथ आपकी फेस पे पिगमेंटेशन भी है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको अपने फेस की बहुत ही ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होगी। आप अपने फेस को हमेशा बिल्कुल अच्छे से नीट एंड क्लीन करके रखें, अच्छे से फेस स्क्रब का इस्तेमाल करें, अच्छे से किसी फेस पैक का इस्तेमाल करें, और ऐसे फेस पैक का इस्तेमाल करें जो कि आपकी स्किन को टाइट करे। तो इसके लिए आप बेसन और अलसी का जो पानी होता है उसका एक फेस पैक तैयार कर सकते हैं और उसे अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपकी स्किन बिल्कुल हेल्दी होती है, अच्छी होती है, उसमें कोई भी दाग धब्बा पिगमेंटेशन नहीं होता है, तो आपको ज्यादा मेकअप करने की भी बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। अगर आप सिंपली एक लिपस्टिक लगाकर और एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाकर ही लोगों के सामने जाते हो तो वही आपकी जो स्किन है उसको बहुत ज्यादा अच्छा दिखाता है। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो, जो आई होप आप लोगों को जरूर अच्छी लगी होगी। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। उसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं जल्द ही किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।